नमस्कार। भगवान दत्तात्रेय ने तीन शिष्यों को बहुत बढ़िया उपदेश दिया, ऐसा हम कथाओं में कई बार सुनते हैं। उनमें एक हैं प्रहलाद जी। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में वह संवाद हम सुन पढ़ सकते हैं। एक हैं यदु, उनका भी संवाद श्रीमद् भागवत में है। और उनके तीसरे शिष्य हैं वो अलर्क हैं। अलर्क के साथ दत्तात्रेय जी की जो बात हुई है, इसमें ममता रूपी वृक्ष की बात हुई है। हम उस प्रसाद को आज प्राप्त करें और मनुष्य किस तरह से परमानंद में स्थित हो सकता है, उसकी कुछ बात आज प्रसाद रूप में प्राप्त करें। अलर्क को ऐसा विचार आया कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। स्वाभाविक रूप से उसका सही उत्तर प्राप्त हुआ कि मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर। फिर प्रश्न पूछा अपने आप को ही कि मुक्ति की इच्छा जागृत कैसे होगी, तो फिर विचार आया कि सत्संग से होगी। ये सत्संग की बात सोचकर अलर्क जो हैं वे श्री दत्तात्रेय जी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि आप तो शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, आप मुझ पर कृपा करें, मैं भोगों में अत्यंत आसक्त हूँ, आतुर हो गया हूँ, और आतुर माने दुखी, तो आप मेरा दुख दूर कीजिए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, ये बताओ कि तुम्हें दुख किस लिए हुआ है। अब दुख के कारण में गए तो अलर्क अपने आप ही बोल पड़े, कहते हैं भगवन, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो ये शरीर तो पांच भूतों का समुदाय मात्र है, गुण की ही तो गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है। शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों शरीर से तो भिन्न ही हैं। यदि हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी घोड़े रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध हो सकता है। इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है और न ही मित्र है, न मुझे कोई दुख या सुख होता है, न नगर या कोष से ही मेरा कोई संबंध है। ये हाथी घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है और न दूसरे किसी की है, न मेरी है। जैसे कलसी, घट और कमंडलू में एक ही आकाश है, कलसी के अंदर देखिए खाली जगह है, वो आकाश, घट में, घड़े में और कमंडलू में एक ही आकाश है, तो भी वो पात्रों के भेद के कारण कलसी का आकाश अलग, कमंडलू का अलग और घट का अलग ऐसा दिखाई देता है। उसी प्रकार ये सुबाहु हो कि काशीराज हो या मैं हूँ, ये भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहां वहां से वो दुख ही ला करके देती है, और मैं तो प्रकृति से परे हूं, अतः न दुखी हूं न सुखी हूं। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य ये कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है, वही सुख दुख का अनुभव करता है। हमको लगे कि पहले तो बोल रहे थे मैं दुखी हूं, और जैसे ही दत्तात्रेय जी ने पूछा तो कह रहे हैं मैं न सुखी न दुखी, और मेरी तो स्थिति ऐसी परब्रह्म में हो गई, ये क्या है। तो बोले यही है, भगवान के पास जाकर के भी यदि ऐसी स्थिति न बने तो क्या काम का। अब देखो, सब अलर्क ही बोल गए कि न दुखी हूँ न सुखी हूँ आदि, तो दत्तात्रेय जी प्रसन्न हुए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है, तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। अब इस ममता ही वृक्ष है, इसका वर्णन करते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है, वो अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है, ममता ही उसका तना है, गृह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं, स्त्री पुरुष और पुत्र आदि पल्लव हैं, धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं, वह अनादिकाल से बढ़ता ही चला आ रहा है, पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं, सुख और दुख महान फल हैं, वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है, अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है, सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती हैं।
जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं वे ब्रह्मपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को वो आत्यंतिक सुख माने मोक्ष कैसे मिल सकता है? किंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्यारूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को जो काट डालते हैं वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्म वन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित होकर के परमानंद को प्राप्त होते हैं। ये पुराण प्रसाद दिखते छोटे छोटे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 मिनट में पूरे हो जाने वाले, लेकिन इनको बार बार सुनने पर हमारे ध्यान में आएगा कि इसमें व्यास जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर श्री दत्तात्रेय भगवान जो उपदेश देना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है, और उस ममता रूपी वृक्ष को हम भी यदि काटना चाहें, हम भी उस सुखी होना चाहें, उस सुख से सुखी होना चाहें या सुख दुख दोनों से ही ऊपर चले जाना चाहें तो किस तरह से किया जा सकता है। आज हमने दत्तात्रेय भगवान के इस प्रसाद को प्राप्त किया, हम प्रणाम करते हैं।